माय डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 6 के प्रश्न उत्तर ग्रहम शून्यम सुताम बिना लेसन हमने पढ़ा, वो लेसन भी पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर भी करें। नेक्स्ट लेसन है 7वां पार्ट है, जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस में है, इसलिए अपन को नहीं करना है। उसके बाद में है 1/8वां पार्ट है संसारस्य नायकः, वो लेसन अपन एक बार अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। तो आज अपन जो लेसन करने जा रहे हैं वो है 9वां पार्ट है सप्त भगिन्य। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, सप्त भगिन्य यानी 7 बहने, सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यानी 7 बहनें 7 राज्यों को दिया गया है, 7 राज्यों को यह उपमा दी गई है और इसको ये इन्हीं 7 राज्यों को सप्त भगिनी की उपमा उनके प्राकृतिक सौंदर्य तथा वहाँ पर उगने वाले बांस आदि वृक्षों के कारण और वहाँ पर के जो लोग होते हैं वो भी और जो ऊर्जा आदि से युक्त होते हैं, अनेक बहुभाषी होते हैं, वह अनेक भाषाओं को जानते हैं, इन सब आधार पर उनको सप्त भगिनी की उपमा दी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसका सप्रसंग हिंदी अनुवाद करेंगे, परंतु उसको करने से पहले ध्यान से सुनेंगे तभी तो कर पाएंगे। ओके, तो ध्यान देना। अध्यापिका सुप्रभात सुप्रभात, छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम, अध्यापिका भवतु ठीक है, अध्य किम कर पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए, छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं, अध्यापिका शोभनम अच्छा कहो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं, सायरा चतुर्विंशति 24 महोदय, नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं सिल्वी बोलती है, नहीं नहीं पंचविंशति 25 राज्य हैं, अन्य कोऽपि, अध्यापिका कहती है दूसरा कोई, कोई और बता सकता है 24 और 25 के अतिरिक्त इसका आंसर, स्वरा मध्य बीची में महोदय मैं भगिनी कथयंती, मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे कि हमारे देश में 29 यानी 29 राज्य हैं, एतद अतिरिक्त इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छा जानती है, बहुत ठीक है, अपि जानित यूयम तुम सब ये भी जानते हो यद कि एतेषु इन राज्यों के 7 राज्यों का एक अपना एक समूह है, यह सप्त भगिनी जो सप्त भगिनी इस नाम से प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करेंगे, और वैसे लैंग्वेज बहुत इजी थी, सीधा सीधा इसका अर्थ निकलता जा रहा है, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट होता है तो पूछ लें। नेक्स्ट आगे के लिए अपन नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके बाय।